नमस्कार, आज हम आपको कबाब चॉप्स बनाना सिखाएंगे, जो कि एक शाकाहारी व्यंजन है जिसे आप चाय के समय या पार्टी एपेटाइज़र के रूप में बनाकर खा सकते हैं और बच्चे उसे बहुत ही पसंद करेंगे। इनके लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता है: 200 ग्राम लौकी, एक पीस भें और एक मध्यम आकार का उबला हुआ आलू, 3 चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम भेग को अच्छी तरह से छील के उसे धोने के बाद आधा काट के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लंबे पतले टुकड़ों में काटना है हमें इसे, इस तरह से। आप चाहें तो इसका आकार कितना भी बड़ा कर सकते हैं। आप लंबे पीस बनाना चाहते हैं तो लंबे बना सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो उस अनुसार आप इसे काट सकते हैं। ये हमारे लिए स्टिक बनेगी। और हमने यहाँ पर लौकी को कद्दूकस करके रख लिया है और अब हम इसका कद्दूकस करने के बाद इसका जूस निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका जूस निकालना है। इसमें इसका जूस नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें जूस रहा, जूस के साथ बनाओगे तो आपकी जो कोफ्ते बनेंगे या कबाब बनेंगे वो बहुत ही कड़क बनेंगे। और अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो इसके लिए आपको इसका पानी निकाल के अलग रखना पड़ेगा। और आप इस पानी को, इसके जूस को आप नवाबी सीख कबाब रेसिपी, जिसका लिंक हमने ऊपर दिया हुआ है, उसमें बना के उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे और लौकी और आलू दोनों को अच्छी तरह से मिला के गूंद लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और ये हमने नमक डाला। नमक आप कम ही रखिए क्योंकि दो बार आपने इसमें नमक डालना है। अब हमने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और अब हमने इसमें डाला है गरम मसाला। और अब ये हमने इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन के डालने हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है और एक सॉफ्ट इसकी डम्पलिंग बना लेंगे। और इस तरह से पानी आप निकाल दें इसका, लौकी का, और इसके बाद ही ये सब मिश्रण इसमें मिलाएं। अब हम एक ये जो हमने भें की स्टिक्स काट के बना रखी थी, अब ये हमारी बनेगी सीख। और अब हम इस पे जो ये हमने मसाला बना रखा है कबाब का, ये इस पे अच्छी तरह से लगा देंगे इस तरह से और रखते जाएंगे। और ये देखिए, हमने सभी कबाब बनाकर तैयार रखे हैं। और अब हम तेल गरम करेंगे और कढ़ाई में, और तेल के गरम हो जाने पर अब हम इन कबाब को डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये ध्यान रखिए कि आपकी आँच कम होनी चाहिए, तेज आँच पे इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। बाहरी सुनहरा रंग तो इस पे आ जाएगा पर ये अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए आप इन्हें कम आँच पर ही पकाएं जब तक ये सुनहरे भूरे नहीं हो जाते। अब देखिए, ये हमारे कबाब सुनहरे भूरे हो चुके हैं तो हम अब इसे प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। इसे गर्मा गर्म परोसें किसी भी चटनी या डिप्स के साथ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें।